ये जो सिलसिला है ट्रेनिंग का, ये कैसे शुरू हुआ मैं पहले उसके बारे में आपको बताऊंगी। इंडिया विजन फाउंडेशन पहले तिहाड़ जेल से हमारी शुरुआत हुई है और वहाँ पर हम 1994 को, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे थोड़ी सी मुश्किल है, 94, हाँ, और 2012 तक हम वहीं पे काम कर रहे थे। फिजिकल ज़्यादा था और आपको जो आप कैसे जेल में काम करना है इसके बारे में बताया था। 4S मॉडल के ऊपर में हमने कई सारी जेलों के अंदर में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम लोग 12 स्टेट के अंदर में काम कर रहे हैं। विजन फाउंडेशन का नाम आपकी यूपी की 18 जेलों के अंदर में सुनाई पड़ेगा। हम उसको अंदर नहीं सुधारेंगे या बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बाहर जाकर पे वो फिर से क्राइम करेगा और फिर से अंदर आएगा। सोचे कि एक साथ ही कोई आदमी बहुत बड़ा बन जाए या फिर बहुत अच्छा सुधर जाए, तो एक साथ कोई चीज़ नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम धीरे धीरे उसमें लगे रहें तो वो एक ना एक दिन सुधर सकता है। ना ये है कि आप लोग अपनी ड्यूटी में जब एक बार जेल के अंदर आ जाते हैं तो आप क्या क्या काम करते हैं बाहर निकलने से पहले? सर्वप्रथम गेट बुक में एंट्री के पश्चात बैरक में पहुंचकर बंदियों की गणना करना। पेशी से लौटे बंदियों बेन नई अहमद की तलाशी कर उनकी मानसिक स्थिति समझकर उनको समझाना। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और मज़ा भी बहुत आया। मैं पहले संवाद ट्रेनिंग आपके द्वारा ले चुका हूँ तो इसमें उसमें भी हमको काफ़ी सीखने को मिला। इसके बाद आज की जो मीटिंग हुई आपके द्वारा वो भी काफ़ी अच्छी रहा। इसमें हमको ये सीखने को मिला कि हमको बंदियों के प्रति अपना जो नज़रिया बदलना होगा। मैं तहे दिल से इंडिया विजन फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऐसे कार्यक्रम चलाते रहें और बंदियों को सुधार कर मिल सके।